subscribe Dakota Solutions YouTube channel and press the bell icon for latest technology videos. So hello decoders, welcome to Decoder Solutions. Dosto, अगर आप ब्लॉगर यूज करते हो तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि इस जून मंथ के एंड के बाद यहाँ पे सबको जो है वो ब्लॉगर का नया इंटरफेस कंपलसरी होने वाला है। यानी कि दोस्तों ये नया इंटरफेस सबको अभी यहाँ पे डिफॉल्ट होने वाला है और जो लीगसी इंटरफेस है वो स्टिल यहाँ पे होने वाला है ऑप्शनली, पर दोस्तों में भी चांसेस है कि कुछ समय बाद ये इंटरफेस डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपके ब्लॉगर पोस्ट में या फिर पेजेस में HTML कोड इंसर्ट करना चाहते हो इस नए इंटरफेस के साथ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहाँ से इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, आपका ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको ब्लॉगर ओपन कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ब्लॉगर ओपन करते हो ये कुछ आपका डिफॉल्ट इंटरफेस होता है आपके ब्लॉगर का। तो दोस्तों बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन द लेट जून द न्यू ब्लॉगर इंटरफेस विल बिकम द डिफॉल्ट फॉर ऑल यूजर्स। यानी कि दोस्तों ये जो ब्लॉगर इंटरफेस है नया वाला, ये आप सभी को डिफॉल्ट होने वाला है और द लीगसी इंटरफेस विल बी स्टिल ऑप्शनली अवेलेबल। यानी कि दोस्तों आपको लीगसी इंटरफेस स्टिल ऑप्शनली अवेलेबल रहेगा, पर दोस्तों यहाँ पे मे बी चांसेस है कि कुछ दिनों बाद ये इंटरफेस डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में वी रिकमेंड ट्राइंग द न्यू इंटरफेस बाय क्लिकिंग द ट्राई न्यू ब्लॉगर इन द लेफ्ट हैंड नेविगेशन, प्लीज फाइल एनी क्रिटिकल इश्यूज एनकाउंटर। यानी कि दोस्तों ये कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि आप नए इंटरफेस को, नए ब्लॉगर इंटरफेस को फैमिलियर बना लीजिए, उसे सीख लीजिए, यानी कि दोस्तों आपको उसे यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो इंटरफेस होता है वो आपका डिफॉल्ट लीगसी इंटरफेस है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको न्यू इंटरफेस में जाना है तो आपको यहाँ पे ट्राई न्यू ब्लॉगर पे क्लिक करना है और ट्राई न्यू ब्लॉगर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए और यहाँ से आप न्यू इंटरफेस में नेविगेट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये कुछ ऐसा इसका न्यू इंटरफेस, जैसे आप यहाँ पे न्यू इंटरफेस में ब्लॉगर ओपन करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML कोड इंसर्ट करेंगे पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि पोस्ट सेक्शन मैंने डिफॉल्ट ओपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तैयार करनी है। तो उसे तैयार करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपकी न्यू पोस्ट तैयार हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलता है पोस्ट का ये होता है। अगर आपको यहाँ से दोस्तों अगर HTML कोड इंसर्ट करना है तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकन है HTML व्यू का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हो ये आपका HTML इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइटल देना है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अभी एक HTML JavaScript कोड अवेलेबल है जो कि है कैरेक्टर्स काउंट का। यानी कि दोस्तों ये जो कोड है वो आपको कैरेक्टर काउंटिंग का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट को टाइटल देता हूँ कैरेक्टर्स काउंट। और दोस्तों यहाँ पे पोस्ट को टाइटल देने के बाद यहाँ पे मैं जो डिफॉल्ट यहाँ पे कोड अवेलेबल है इसे यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद ये जो कोड है यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने कोड पेस्ट किया सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करते हो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसा इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखेगा जो कि अभी यहाँ पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये रहेगा इसका प्रीव्यू कैरेक्टर्स काउंट और ये ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से इसे पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करने के बाद यहाँ से सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए और कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये पोस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। अभी दोस्तों आपको इस पोस्ट को अगर यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू के आइकन पे क्लिक करके इस पोस्ट का प्रीव्यू देखना है। दोस्तों यहाँ पे पोस्ट में भी पब्लिश नहीं हुई तो मैं एक बार दोबारा इसे पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों ये पोस्ट अभी हो चुकी है पब्लिश और यहाँ पे मैं इस पोस्ट को करता हूँ व्यू। जैसे मैं इस पोस्ट को व्यू करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमारी पोस्ट यहाँ पे व्यू हो चुकी है। और जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैरेक्टर्स या जो है वो यहाँ पे काउंट होना शुरू हो चुका है। कैरेक्टर्स काउंट, वर्ड पर स्पेसेस काउंट, 3 वर्ड जो हमारे अभी जो हमने एंटर किया उसमें अवेलेबल है और यहाँ पे सेंटेंसेस कितने हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप पेजेस में भी सिंपली इसी तरीके से जो है वो HTML कोड इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उसे कैसे इंसर्ट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है प्लस के आइकन पे टू क्रिएट न्यू पेज। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको HTML व्यू में जाना है तो आपको यहाँ से सिंपली करना है क्लिक यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं HTML व्यू पे। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ काउंट जो इसका टाइटल है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट कोड दिया जाता है वो आप इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए और जो आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
जैसे ही आप पेस्ट करते हो सिंपली आप दोस्तों यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो और यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ से डायरेक्टली भी पब्लिश कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कंफर्म। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है अभी फिलहाल पब्लिश हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पोस्ट का प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके इस पोस्ट का प्रीव्यू देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पेज का सॉरी मैं पोस्ट पोस्ट बोले जा रहा हूँ पर दोस्तों यहाँ पे है पेज। तो दोस्तों आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो है अभी यहाँ पे वर्क जो दोस्तों यहाँ पे कर रहा है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो है अपने एचटीएमएल कोड टेस्ट किया वो यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप न्यू ब्लॉगर के इंटरफेस में पोस्ट में और पेजेस में एचटीएमएल कोड इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो। अगर आपने अभी तक डिकोडर सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ स्टे कॉन्टेस्ट स्टे होम।